आज मेरी उम्र 68 साल की है और मैं 50-55 साल पहले की बात करता हूँ। हमारी गली में आते थे छोटे छोटे बच्चे, उसके पीछे पीछे भाग रहे होते थे। हम उसको तमाशा ही बोलते थे, तमाशे वाला। हाथ में उसके डमरू होता था, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, फिर कहना अभी एक ने देखा, फिर हाँ मतलब वो देखते देख ऐसे आँख करके देखने हैं। ज़्यादातर वो संडे के दिन आता था। वो उनके हाथ में शोल्डर पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता था, तमाशा देख लो ऐसे करके आते थे और हम भागते भागते जाते थे। उसके ऊपर एक ग्रामोफोन लगा होता था। कोई तो पैसे देता था, कोई आटे की कटोरी देता था, कोई चीनी की कटोरी देता था। जैसे कोई और लोग देख रहे हैं, हम कहते थे थोड़ा सा हमें भी देखने दो। उसमें फिर पिक्चर्स चलती थी, हीरो हीरोइंस की पिक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स। पीछे वाला कहता था चलो चलो मुझे हटो भाई हटो, मुझे भी देखने दो, मुझे भी देखने दो। हम कहते नहीं नहीं पहले मैं पहले मैं पहले मैं। है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर ये हमें हो गया, ये इंडिया गेट एरिया में, इंडिया गेट में बायोस्कोप में। और इस काम को 20-21 साल से मैं लगातार इस काम को करता हूँ, इसीलिए ये हमें 2 पैसा भी मिलता है और हमें अच्छे बातों बराबर मिलता है लोगों से। बहुत दिलचस्पी काम है इसमें, तो इसमें इसीलिए दिलचस्पी काम है। ये बिल्कुल ही बच्चे अब समझते नहीं, भूल गया इस चीज़ को कि बायोस्कोप क्या होता है। मम्मी पापा उसको ज़बरदस्ती दिखाता है कि हमने देखा हमारा बचपना का चीज़, हमें आज हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, हमने इसमें इंजॉय किया, यही हमारा सब कुछ था दुनिया में, यही था बायोस्कोप। बच्चा को ज़बरदस्ती दिखाता है, फिर बच्चा जब देख के खुश होता है तब बोलता है मम्मी ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर ये ऐसे हो जाता है कि बच्चा कभी मम्मी को भी बोलता है आप भी देखो हमें बहुत पसंद आया। ये जो धीरे धीरे जो अब जो जैसे आपको टीवी वीसीआर निकल गया, ये सब पहले जमाने में तो बायोस्कोप भी था ये, हाँ फ़ोटो घूमता था अंदर, इसको अंदर फ़ोटो ही घूमता था, रोल जैसा बना रहता था। और पहले शुरुआत यहीं से हुआ था, हाँ आते आते आपका टीवी वीसीआर निकल गया था, इसके धीरे धीरे कम हो गया इसका वैल्यू। जलालुद्दीन है, तकरीबन 60 साल की उम्र है मेरी और तकरीबन 44-45 साल से काम कर रहा हूँ। बायोस्कोप ग्रामोफोन दोनों ही का काम कर रहे हैं। पहले पुराने भी आते थे बायोस्कोप, तो उसको रिपेयरिंग करके बेचा करते थे। जब वो पुरानी ख़त्म हो गई तो अब उसकी रिप्रोडक्शन में नए बना के बेचते हैं। पहले शौक से काम शुरू हुआ था, अब बिजनेस में चल रहा है, आज तक ये सिलसिला चल रहा है। बायोस्कोप तो दिल्ली में, मेरे ख्याल से दिल्ली में क्या है कि दिल्ली या बॉम्बे में ही मार्केट है हमारी, जहाँ और कोई नहीं बनाता। बायोस्कोप तो मैं ही बनाता हूँ और यहाँ यहाँ जो यहाँ बिकता है और उसके बाद बम्बई वगैरह में बिकता है या कलकत्ता में बिकता है, लेकिन मैं ही बनाता हूँ बायोस्कोप। भोले भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोले भाली मत वाली आँखों में क्या है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, अरे बड़े भी खुश होता है। चार जने देखता है तो बहुत लगता है क्या मिल गया उसको।
नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे। कुछ लोग ऐसे हैं कि स्कूल के लोग भी ले जाते हैं पीछे, मतलब एमपी वगैरह में स्कूल में भी गई है, जो मास्टर जी बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हुआ करती थी पहले, बायोस्कोप होती थी ऐसा, तो स्कूल में भी जाते हैं, हमारे स्कूल में भी जाते हैं, कभी कभी सरकारी लोग भी ले जाते हैं, सरकारी कार्यालय में भी ले जाते हैं बच्चों को देखने के लिए, कभी कभी तो इलेक्शन के टाइम में भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, मतलब अगर नेताओं के पोस्टर लगा के ब्लैक एंड वाइट पोस्टर लगा के उसको दिखाते हैं नेताओं को। पहले इसको नौमन की धोबन कहते थे, लेकिन अब तो पुराने लोग अब धोबन नहीं कहते हैं, नौमन के धोबन नहीं कहते हैं, अब बायोस्कोप के नाम से जानते हैं लोग कि चलो बायोस्कोप देखते हैं, तो बच्चे हैं देखते हैं और इंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं कि हाँ कैसी चीज़ें थी पहले, तो ले जाते हैं, मतलब आज भी बिकता है और आगे भी, मतलब उम्मीद है कि बिकेगी, मतलब ये जब तक मैं हूँ 10-15 साल तक तो बिकेगी, आगे की तो बात नहीं। कभी बंद नहीं हो सकता, क्यों बंद हो गया, आप हम बच्चे को दिखा रहे हैं, वो 10 साल के बच्चा को तो याद रह जाता है सब कुछ, वो तो बताएगा कि मैंने इंडिया गेट में अंकल ने बायोस्कोप देखा, फिर उसके बच्चा होगा वो घुमाने लाएगा, वो दिखाएगा, ये बंद हो नहीं सकता है, ये बंद होगा ही नहीं।